Hello, welcome to Arvind Singh Academy. We are discussing some basic concept of chemistry. And basic concept means elementary, very basic entities, those which will be useful for discussion of chemistry. So that I am going to discuss here. Last class में पिछली क्लास में हमने बात किया था कि पिछली क्लास में ये बात किया था हमने कि तरह तरह की यूनिट क्या होते हैं और उस यूनिट को मेजर करना है, तो मेजरमेंट ऑफ दैट यूनिट वी नीड टू डिस्कस टुडे। आज हम उन सब यूनिट के बारे में बात करते हैं और उनकी मेजरमेंट कैसे की जाती है उनकी भी बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मास, जो हमने बताया था सिस्टम इंटरनेशनल यानी SI यूनिट, उसमें सबसे पहले हमने बात की थी मास की। तो मास को कैसे मेजर करते हैं और मास है क्या, सबसे पहले समझते हैं कि मास क्या है। सो व्हाट इज मास? मास ऑफ ए बॉडी, मास ऑफ ए बॉडी इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर, क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन द बॉडी, कंटेन्ड इन द बॉडी। मास ऑफ ए बॉडी इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन द बॉडी। सो मास इज समथिंग ऑफ विच इज कंटेन्ड। तो ऐसा अगर एक बॉडी हो कोई भी, तो उसके अंदर जितने भी मैटर है, मैटर क्या होता है जी, उसके बारे में हमने बात किया था कि मैटर वो होता है जो कि क्या करता है, स्पेस को ऑक्युपाई करता है और उसमें कुछ मास हो। तो मास और मैटर कोरिलेटेड है, मैटर बिना मास के डिफाइन नहीं हो सकता और मास जो है वो क्या है, वो मैटर की कम क्वांटिटी है। तो इसका मतलब है दोनों इंटर रिलेटेड वर्ड है। मैटर को जब हम डिफाइन करते हैं तो कहते हैं कि एनीथिंग व्हिच ऑक्युपाई स्पेस एंड हैविंग मास, और मास को जब डिफाइन कर रहे हैं तब भी यही कह रहे हैं कि मास इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन द बॉडी। सो बोथ आर इंटर रिलेटेड। मास कैन बी कैलकुलेटेड, द यूनिट ऑफ मास वी हैड ऑलरेडी डिस्कस, दैट SI यूनिट ऑफ मास इज व्हाट, किलोग्राम। द SI यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम, राइट, इज किलोग्राम, किलोग्राम। फॉर मेजरिंग द डिफरेंट अमाउंट ऑफ मास, दैट इज डिनोटेड बाय केजी। For measuring the different amount of mass, we can use the different smaller unit and bigger unit as well. For example, a smaller unit than mass is gram. A small in CGS system, we can measure mass in terms of gram. So a small unit of mass in CGS system is gram. So what is the relation between them? Relation is 1 kilogram is equal to 1000 gram, right? So 1 kilogram is 1000 gram, that is 10 to the power 3, that can be also written as 10 to the power 3 gram. So other units can be also defined similarly. Say 1 kilogram is equal to, so 1000 gram, so 10 to the power 3 gram. Similarly, 1 hectogram, hectogram can be written as 10 to the power 2 gram. 1 decagram, decagram can be written as 10 gram, right? And 1 decigram, decigram can be written as 10 to the power minus 1 gram. 1 centigram is equal to what? 1 centigram is equal to, similarly, 1 centigram, that can be written as 10 to the power minus 2 gram, right? 1 milligram, milligram can be written as 10 to the power minus 3 gram. 1 microgram, microgram, microgram is equal to 10 to the power minus 6 gram. 1 nanogram, nanogram, that is nano is the unit. 1 nanogram
इज 10 to the power -9 ग्राम। सिमिलरली अदर दीज आर द काउंटिंग ऑफ केमिस्ट्री, सो वी कैन यूज दिस नैनोग्राम। देन व्हाट इज दैट, देयर आफ्टर वी कैन यूज 1 पिक्टोग्राम, 1 पिक्टोग्राम, पिक्टोग्राम इज इक्वल टू 10 to the power -12 ग्राम। 1 फमेटोग्राम, फमेटोग्राम इज इक्वल टू 10 to the power -15 ग्राम, लाइक दैट। सो दीज आर सम काउंटिंग्स विच कैन बी यूज फॉर मेजरिंग द डिफरेंट क्वांटिटी। सिमिलरली इन अदर वे 10 to the power 6 इज किलोग्राम। देन अदर यूनिट्स आर देयर लाइक 1 एट्टोग्राम, एट्टोग्राम दैट इज कॉल्ड 10 to the power -18 ग्राम। 1 जेप्टोग्राम, जेप्टोग्राम इज इक्वल टू 10 to the power -21 ग्राम। एंड 1 योक्टोग्राम, योक्टोग्राम कैन बी रिटन एज 10 to the power -24 ग्राम। सो ऑल दीज यूनिट्स आर लाइक दिस। Similarly, these are for measuring a smallest unit. These are the used for measuring a smaller unit, a smaller units of mass. Of mass can be measured by using this. You know. Similarly, bigger mass. Since we have learned that 1 kg is equal to 1 kg is equal to 10 to the power 3 gram. 1 mega kilogram. मेगा किलोग्राम, मेगा किलोग्राम, मेगा और 1 मेगाग्राम, इसे मेगाग्राम दैट इज 10 to the power 6 ग्राम। 1 मेगाग्राम इज 10 to the power 6 ग्राम। 1 जीगाग्राम, जीगाग्राम इज इक्वल टू 10 to the power 9 ग्राम। 1 पेटाग्राम, टेराग्राम, टेराग्राम इज इक्वल टू 10 to the power 12 ग्राम। 1 पेटाग्राम दैट इज 10 to the power 15 ग्राम, यू नो। सो लाइक दिस। सिमिलरली सम अदर यूनिट्स कैन बी ऑल्सो मेजर लाइक 1 एक्साग्राम, एक्साग्राम इज इक्वल टू 10 to the power 18 ग्राम, राइट। सिमिलरली 1 जेटाग्राम, जेटाग्राम इज इक्वल टू 10 to the power 21 ग्राम। एंड 1 योटाग्राम, योटाग्राम दैट इज कॉल्ड 10 to the power 24 ग्राम। सो -24 टू 10 to the power +24, दीज आर द ह्यूज रेंज ऑफ मेजरमेंट ऑफ ऑल दीज मासेज, एंड दैट ऑल कैन बी मेजर्ड बाय यूजिंग एनालिटिकल बैलेंस इन द लेबोरेटरी। द ह्यूज मास कैन नॉट बी यूज मेजर बाय दिस, बट अ स्मॉल मास कैन बी यूज बाय यूजिंग दिस एनालिटिकल balance. This is called analytical balance. So mass can be measured accurately by using analytical balance. Mass of a body can be used measured accurately by using analytical balance. Analytical balance, right? So this is a mass of this can be measured by using this analytical balance, and they have symbol as well. So all these have basic symbols. You can use it for different. Here mass of kilogram can be measured in kg. Symbol is K, right? Na hectogram H, H is the symbol. Here decagram. DA is the symbol. Here decigram, that is D is the symbol, you know, deci. Centi, C is the symbol, and therefore milligram, a small m is the symbol. Microgram, capital M is symbol. Nanogram, a small n is symbol. Centigram, C is a symbol. So that is basically represented by symbols, you know, all these are represented by symbols. So pictogram is the P symbol, fometogram F is the symbol, like this. So all these have a small symbols. Whenever this is measured in terms of etagram, that is A, jeptogram G,
ईटोग्राम वाई, दीज आर द सिंबल्स, यू नो माइक्रो कैन बी यूज बाई दिस सिंबल एज वेल. सो माइक्रोग्राम कैन बी यूज बाई दिस सिंबल, लेट इज म्यू. म्यू कैन बी यूज फॉर माइक्रोग्राम. म्यू इज द सिंबल. एंड हियर व्हाट इज दिस, नेक्स्ट इज मेगाग्राम, सो दैट कैन बी यूज एज कैपिटल एम. जीगाग्राम दैट इज जी, टेराग्राम दैट इज टी, पेटाग्राम दैट इज पी, सिंबल इज पी. सिमिलरली एक्साग्राम सिंबल इज ई, जेटाग्राम सिंबल इज जेड, योटाग्राम दैट इज कैपिटल वाई इज द सिंबल. सो ऑल दिस कैन बी मेजर्ड बाय द डिफरेंट यूनिट्स, यू नो. एंड मास ऑफ ए बॉडी कैन बी मेजर्ड बाय यूजिंग एनालिटिकल बैलेंस एक्यूरेटली. सो वी कैन मेजर दिस राइट, मास ऑफ द बॉडी. न मॉडर्न नाउ दिस एनालिटिकल बैलेंस व्हिच हैज बीन शोन इन द फिगर हियर, जैसा कि हमने यहाँ फिगर में आपको दिखाया है, ये एक बीम होता है और ये जो राइडर कैरियर नॉब होती है जिससे इसको ऊपर नीचे किया जा सकता है. ये पैन दो होते हैं, ये भी पैन है एक और ये भी एक पैन है. तो ये दोनों पैन होते हैं जिसपे एक पे वेट और दूसरे पे ऑब्जेक्ट रखा जाता है, सब्सटेंस. तो सब्सटेंस रख सकते हैं यहाँ पे और यहाँ पे वेट रख सकते हैं. तो इस तरह से ये पैन स्क्रू पैन है जो बैलेंस को रिप्रेजेंट करता है. और ये जो पॉइंटर स्केल होता है, ये पॉइंटर स्केल जो इंडिकेट करता है उसके हिसाब से, अगर इसको पॉइंट को इंडिकेट करता है तो उसके हिसाब से मास को बैलेंस मानते हैं और एक्यूरेट मानते हैं. तो इस तरीके से हमने कहा कि मास ऑफ ए बॉडी कैन बी मेजर्ड यूजिंग एक्यूरेटली बाय यूजिंग एनालिटिकल बैलेंस. यूजिंग एनालिटिकल बैलेंस, यूजिंग एनालिटिकल बैलेंस, कल बैलेंस राइट. सो दिस इज व्हाट. नाउ अभी आप लोग देख रहे होंगे कि तरह तरह के साथ थोड़ा डिजिटल इसका फॉर्म जो है वो थोड़ा चेंज हो गया और इस तरह के हो गए ये एनालिटिकल बैलेंस, जो अब पूरी तरह से क्लास में पैक होता है और यहाँ पे ये डिजिटल हो गया, डिजिटल फॉर्म हो गया. डिस्प्ले होती है, आप किसी ज्वेलर के शॉप पे देखे होंगे कि ऐसा चीज है, इसके अंदर आप ज्वेलरी रख देते हैं, उसको बंद कर देते हैं और यहाँ से आपको सामने दिखता है कि क्या है. पावर बटन ऑन करते ही ये दिखता है. लेवल एडजस्टमेंट करने के लिए दो स्क्रू होते हैं यहाँ पर और यहाँ पर, ये जो दोनों स्क्रू होते हैं ये लेवल को एडजस्ट करने के लिए होता है. ये यहाँ पे नीचे इसके इसके लेयर को, ये स्क्रू बटन को टैप को दबाने से ये पता चलता है कि बैलेंस है कि नहीं. यहाँ पर डिस्प्ले आती है, यहाँ पे आप रख सकते हैं. लेवल इंडिकेटर यहाँ पे दिखाएगा कि कैसा है, ये बराबर है, बैलेंस है कि नहीं है, कोई तिरछा तो नहीं है. और ये ड्राफ्ट शिफ्ट होती है जो कि पूरी तरह से इसको, डोर हैंडल, डोर पैन, ये सारी चीजें हैं जो कि पूरी तरह से इसको दिखाता है. ये डोर को बंद कर देते हैं, उसके बाद यहाँ पे सामान रख देते हैं इधर से, यहाँ पे डोर को प्लेस स्लाइडर होता है, इसे बंद कर देते हैं ताकि एयर प्रेशर कोई ना हो और आप चीजों को आसानी से बैलेंस कर पाए और मेजर कर पाए. सो ऑल दिस कैन हैपन यू नो बाय यूजिंग द बैलेंस. नाउ अब एक दूसरी बात आती है कि तो ये मास है तो वेट क्या होता है, व्हाट इज वेट. तो लेट मी एक्सप्लेन दिस, वेट, वेट क्या होता है. तो वेट ऑफ ए बॉडी, वेट ऑफ ए बॉडी इज द फोर्स बाय विच इट एक्सपीरियंस अट्रैक्टेड टूवर्ड्स ग्रेविटी, by which it attracted by gravity. Gravity means force exerted by gravity is called weight. Weight of a body is the force exerted by gravity on it. So SI unit of weight is newton, because it is a force, so therefore SI unit of weight is newton. Weight is newton, while SI unit of mass is kg. SI unit of mass is kg. SI unit of mass पहले ही लिखा है. SI unit of mass is nothing else kg, right? So kg it is a scalar quantity. Kg is a scalar, ये physics में आपने पढ़ा होगा. और weight जो होता है वो होता है vector quantity. क्यों? क्योंकि इसमें direction होती है. तो weight of the body can vary. Weight of the body can vary place to place.
प्लेस टू प्लेस ड्यू टू वेरिएशन ऑफ वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी while mass of the body remains constant. Mass of the body remains constant. तो आपको ये वेट और मास में फर्क समझ में आ गया. वेट बदलता रहता है क्योंकि जगह जगह पे जी की वैल्यू बदलती रहती है, और जी की वैल्यू जो पोल की तरफ जाने पे बढ़ता जाता है, इक्वेटर पे मिनिमम होता है. इस तरह से वेट बदल सकता है. वेट यहाँ पे कुछ अलग होगा, मून पे कुछ अलग होगा. मून पे जी की वैल्यू बहुत कम हो जाती है अर्थ के रिस्पेक्ट में, लगभग 1/4. सो वहां पे अलग अलग वैल्यू होगी, राइट ना, और अलग अलग जगह पे अलग अलग वैल्यू होगी जी की. और इस तरह से वेट जो होता है वो कम होता जाएगा, लेकिन मास जो है वो कांस्टेंट रहेगा. कहीं भी ले जाओ, यहाँ पे वेट करो या मून पे वेट करो, ठीक है. नाउ नेक्स्ट वॉल्यूम. वॉल्यूम क्या होता है, तो वॉल्यूम की बात करते हैं. वॉल्यूम क्या होता है, तो वॉल्यूम ऑफ ए बॉडी इज द स्पेस ऑक्यूपाइड Space occupied by the body, occupied by the body. जितना space occupied किया, वो उसका क्या है? Volume. तो जितना space occupied किया, अब space को कैसे measure करें? तो volume को measure करने के लिए तरह तरह की unit है. और basically जो volume हम measure करते हैं, वो milliliter में, centimeter cube में, meter cube में, decimeter cube में measure करते हैं. यानी ये है 1 cm³ इज इक्वल टू 1 ml. 1 cm³, जैसा कि ये देख रहे हैं कि ये 1 unit लेंथ है, 1 cm, 1 cm ब्रेथ, 1 cm हाइट. तो ये जो होता है पूरा, वो होता है ये जो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा. कोई ऐसी हमारे पास पॉट हो जो 1 cm लेंथ हो, 1 cm ब्रेथ और 1 cm हाई, तो 1 cm³ इज इक्वल टू 1 ml. So remember, 1 cm³ is equal to 1 ml होता है. तो 1000 cm³ is equal to what? 1000 ml, of course. 1000 cm³ is equal to 1000 ml होता है, right? 1000 ml. 1000 cm³ is equal to 1000. On 1 m³ is equal to 1000 liter. That is 1000 liter. 1 cm³ इज इक्वल टू 1000 लीटर होता है. यानी 1 मीटर लेंथ और 1 मीटर ब्रेथ और 1 मीटर हाइट का कोई हो, तो उसमें हम कहेंगे कि क्या हुआ, 1000. आपके छत पे अगर ऐसी कोई टैंकी है जिसकी लंबाई 1 मीटर और चौड़ाई 1 मीटर और ऊंचाई 1 मीटर हो, तो इसका मतलब है कि उसमें 1000 लीटर पानी आएगा, राइट ना. तो 1000 मिलीलीटर को 1 dm³ भी कह सकते हैं, 1 dm³ और 1 लीटर भी कह सकते हैं. तो 1 लीटर होता है, 1000 cm³ इज इक्वल टू 1 लीटर, एंड 1 m³ इज इक्वल टू 1000 लीटर, राइट ना, 1000 लीटर. तो ये बात आपको दिमाग में होनी चाहिए, और ये जो स्केल है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है. नाउ द क्वेश्चन इज हाउ टू मेजर द वॉल्यूम. द वॉल्यूम ऑफ एनी द वॉल्यूम ऑफ liquids can be measured in laboratory by using graduated cylinder burette
it, keep it, and volumetric flask, right? So these are used basically for measuring this. Volumetric flask basically used when this, let us see the how it is and how they are. So whenever this is a burette, this is burette, and this is a pipette. You can see this here. This is a burette. When things are to be dropped, solution, one solution in a one solution, another solution is to be dropped by drop one by one, droplets in form of droplets. एक एक बूंद गिराना हो तो आप ड्रॉप के रूप में गिराना हो तो ब्यूरेट का इस्तेमाल करते हैं. ये पीपेट जो है वन टाइम 25 ml किसी सब्सटेंस को मिक्स करना हो तो आप इससे 25 ml मेजर कर सकते हैं, उसके मल्टीपल में मेजर कर सकते हैं और इसे डाल सकते हैं. ये है जब कोई सब्सटेंस आपको मेजर करना हो रेदर देन 25 ml, अगर 30 ml 20 ml 40 ml लाइक मेजर करके डालना हो तो आप इससे डाल सकते हैं, इसमें मेजर कर सकते हैं और इसको डाल सकते हैं. अगर आपको 60 ml डालना है तो इसे डाल सकते हैं. यह है मान लीजिए 1 लीटर कोई सॉल्यूशन बनाना है और आप उसमें सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों को मिक्स कर दीजिए तो ये सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों को मिक्स कर देते हैं. और अगर हमें बनाना है 1 लीटर तो आप इसमें डाल के उसमें हिला के और उसको मिक्स करके और आप बना सकते हैं. तो ये सब अलग अलग पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है. यानी ये जो चार तरह तरह के डिफरेंट हमने बताए, एक ग्रेजुएटेड सिलेंडर, दूसरा है ब्यूरेट ग्रेजुएटेड सिलेंडर एटेड सिलेंडर और दूसरा है ब्यूरेट, तीसरा है ब्यूरेट और तीसरा है पीपेट पीपेट और चौथा है वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क. तो इन सब के बारे में थोड़ी सी एक एक लाइन समझ लेते हैं. ये कब कब इस्तेमाल करते हैं? ये जब इस्तेमाल तब किया जाता है ग्रेजुएटेड सिलेंडर जब हमें अ गिवन क्वांटिटी कैन बी मेजर्ड, गिवन क्वांटिटी कैन बी मेजर्ड, कैन बी मेजर्ड बाय यूजिंग दिस मेजर्ड. ब्यूरेट, ब्यूरेट क्या करता है? व्हेन थिंग्स आर to when solution are to be mixed slowly, when solution are to mix slowly, slowly in and measure in terms of droplets, measured in terms of droplet, terms of drop, right? And pipette, a given quantity can be here in multiple of 25 ml can be measured easily, right? Na? Easily. And ye tab istemal hota hai. ये वॉल्यूमेट्रिक जब व्हेन गिवन क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन इज टू बी प्रिपेयर्ड, व्हेन ए गिवन क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन इज टू बी प्रिपेयर्ड, गिवन क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन इज टू बी प्रिपेयर्ड. तो आप ये करते हैं, ठीक है? तो सम जो है ये ऑपरेटर्स है, सम ऑफ द ऑपरेटर्स व्हिच इज यूज्ड, these are the sum of operators, not all, sum of operators or sum of the useful equipments to measure the volume, sum of useful equipments to measure volume in laboratory. So these are some of the useful equipments and that can be used to measure the volume in laboratory. Now, third thing is
नेक्स्ट थिंग इज टेम्परेचर। टेम्परेचर, सो टेम्परेचर, व्हाट इज दिस टेम्परेचर? टेम्परेचर एज यू नो द डिग्री ऑफ हॉटनेस, वी हैव ऑलरेडी डिफाइंड इट। टेम्परेचर इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस। टेम्परेचर इज टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इज डिग्री ऑफ हॉटनेस। डिग्री ऑफ हॉटनेस, राइट? सो टेम्परेचर कैन बी मेजर्ड इन थ्री डिफरेंट स्केल, दैट इज डिग्री सेल्सियस, केल्विन एंड फारेनहाइट। सो स्केल ऑफ टेम्परेचर, स्केल ऑफ टेम्परेचर, व्हाट इज दैट? दिस कैन बी मेजर्ड इन थ्री डिफरेंट यूनिट्स, दैट इज कॉल्ड डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री सेंटीग्रेड एंड डिग्री फारेनहाइट। हाइट फारेनहाइट, लेट मी राइट इट क्लियरली, इन हाइट एंड देन केल्विन। केल्विन, सो ये तीन तरह से हम मेजर कर सकते हैं टेम्परेचर को। अभी क्या है और क्यों है, ये स्टैंडर्ड पैरामीटर इनके क्या है और क्यों लेते हैं? तो सबसे पहले ये समझे कि जो वाटर का जो फ्रीजिंग और बॉइलिंग पॉइंट है, यही स्टैंडर्ड पैरामीटर लिया जाता है स्केल ऑफ टेम्परेचर का। इसमें वाटर का फ्रीजिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, अगर मैं केल्विन की डिग्री सेंटीग्रेड की बात करूं, तो डिग्री सेंटीग्रेड पे 0 डिग्री पे वाटर की फ्रीजिंग पॉइंट होती है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और बॉइलिंग पॉइंट होती है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इन दोनों के बीच के रेंज के टेम्परेचर को, 0 से 100 के बीच को ग्रेजुएट किया गया, 100 भागों में बांटा गया, और एक को कहा गया 1 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी तरह से अगर मैं बात करूं कि फारेनहाइट का, तो ये जो फ्रीजिंग पॉइंट था वो था 32, और जो बॉइलिंग पॉइंट था वो था 212, राइट? तो इसका मतलब इनके बीच का डिफरेंस जो है, कितने का डिफरेंस हो गया, 180 का। तो 180 पे इसको डिवाइड किया गया, 180 डिग्री में सेगमेंट में डिवाइड किया गया, और उस एक सेगमेंट को कहा गया 1 डिग्री फॉरेनहाइट। केल्विन की बात करें तो फ्रीजिंग पॉइंट जो होती है इसका, वो होता है 273.1, और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो होता है 373.15, ठीक है? तो इसको भी 100 में ब्रेक किया गया। तो इसका मतलब है कि ये जो चीजें हैं, ये वाटर के पैरामीटर से, नॉर्मल एटमॉस्फेयर में वाटर का ये क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट, और ये क्या है, बॉइलिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो इस तरीके से ये फ्रीजिंग और बॉइलिंग पॉइंट को अलग अलग सेगमेंट में डिवाइड करके और वाटर को मेजर करने के लिए सिलेक्ट किया गया, और एक नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर ये जो है, आप देखिए यहाँ पे, तो आपको लग रहा है कि वाटर की फ्रीजिंग पॉइंट जो है, फ्रीजिंग एट सी लेवल, ये है 30 डिग्री सेल्सियस में, ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ये है किसका, मतलब डिग्री सेल्सियस का। और यहाँ पे इसके बीच के जो जगह थी, बीच का जो रेंज ऑफ टेम्परेचर था, उसको 100 यूनिट में डिवाइड किया गया, और 1 को कहा गया 1 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी तरह से फारेनहाइट में क्या किया गया कि यहाँ पे इसकी जो बेसिक है, ध्यान से देखिए, यहाँ पे 32 फारेनहाइट पे ये जो क्या था, फ्रीजिंग पॉइंट था, और 212 पे जो था वो बॉइलिंग पॉइंट है एट सी लेवल। तो इसका मतलब है कि डिफरेंस जो हो गया, 212 माइनस 32 इज इक्वल टू 180। सो 180 को फिर से ब्रेक किया गया 180 सेगमेंट में, और एक सेगमेंट को कहा गया 1 फारेनहाइट। केल्विन की बात करें तो 273.15 पे माइनस के साथ, ये माइनस है, इसमें हम कहेंगे कि क्या होता है, 273.15 केल्विन पे ये जो है वो क्या होता है, जो है फ्रीज होता है, और 317.15 पे क्या होता है, बॉयल होता है। तो इस तरीके से इनकी टेम्परेचर अलग अलग की गई, और अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग बातें हुई। इनमें कुछ रिलेशनशिप भी हो सकती है क्या, जो इंसान है, कोई आम आदमी है, उसका बॉडी टेम्परेचर आप कहें तो ये 37 डिग्री सेंटीग्रेड में मेजर करते हैं, और जब हम बुखार वगैरह
किसी को फीवर होती है तो हम मेजर करते हैं, तो उसकी जो नॉर्मल टेम्परेचर होती है 96.6 डिग्री फॉरेनहाइट। तो दोनों में ये रिलेशनशिप है। ये रिलेशनशिप कैसे निकालते हैं, कोई पूछे ये कैसे पता चलेगा हमें? और तो ये पता करने के लिए हम एक रिलेशनशिप डेवलप करते हैं इनके बीच में, और उस रिलेशनशिप से हम समझते हैं कि ये कैसे होगा। तो चलिए वो देखते हैं क्या रिलेशनशिप हो सकती है। लेकिन इससे पहले कुछ बताऊं कि जो और कुछ हमारे जो जनरल लाइफ में बॉडी टेम्परेचर या के अलावा और भी जो चीजें हैं वो कितने कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे होती है नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। तो बल्ब का फिलामेंट जो होता है उसकी जो टेम्परेचर होती है वो लगभग होती है 2500 डिग्री सेंटीग्रेड। बॉइलिंग वाटर आप समझ गए 100 डिग्री सेंटीग्रेड। मेल्टिंग ऑफ आइस एज 0 डिग्री सेंटीग्रेड। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आइस मेल्ट होता है और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आइस जमा भी होता है, दोनों चीजें। इसलिए उसको कहते हैं ट्रिपल पॉइंट। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर वाटर का एग्जिस्ट करता है। सरफेस ऑफ सन का लगभग 5000 डिग्री सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर होता है, 5000 6000 तक भी होता है डिग्री सेंटीग्रेड। और जो क्रोड होता है ये, इसका टेम्परेचर पता है कितना होता है? 2 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड, 2 करोड़ डिग्री सेल्सियस। ठीक है। बंसन बर्नर जो होता है उसका टेम्परेचर जो यहाँ पे फ्लो है, ये फ्लेम जो है इसका टेम्परेचर होता है 1000 डिग्री सेंटीग्रेड, और इंसान के बॉडी का 37 डिग्री सेल्सियस। फ्रीजर जहाँ पे आइसक्रीम जमता है उसकी टेम्परेचर होती है -20 डिग्री सेंटीग्रेड, तभी जा करके वो आइसक्रीम इतनी हार्ड और जो होता है सॉलिड होता है। तो ये सब एक कॉमन चीजें हैं जो कि हमें पता होना चाहिए। इसके अलावा तो हमने ये देखा कि 100 डिग्री जो सेल्सियस है वो 180 फारेनहाइट डिग्री के बराबर है, फारेनहाइट डिग्री के बराबर है। तो आप ये कह सकते हैं इसको अगर मैं डिवाइड कर दूं 20 से तो 5 डिग्री सेल्सियस जो है 9 डिग्री फारेनहाइट के इक्विवेलेंट है। लेकिन डिग्री और सेल्सियस को अगर डिग्री में हमें बदलना है तो हम क्या रिलेशनशिप, रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री एंड सेल्सियस इज रिलेशन बिटवीन डिग्री सेल्सियस एंड फॉरेनहाइट इज गिवन बाय डिग्री सेल्सियस एंड फॉरेनहाइट। डिग्री फॉरेनहाइट इज व्हाट? डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फॉरेनहाइट इज गिवन बाय लाइक दिस, C is equal to, we can write here, that is 5 by 9 F - 32। और फॉरेनहाइट में अगर कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे, डिग्री फॉरेनहाइट इज इक्वल टू, और एफ इज इक्वल टू सिंपली यू कैन राइट 9 by 5। ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा C, और F - 32 इधर आ जाएगा, 32 उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो ये तरीका है हमारा एक दूसरे में कन्वर्ट करने का। या तो इसको आप याद रखें या इसको याद रखें, यानी जब फॉरेन हाइट में दिया हो और डिग्री सेल्सियस में कैलकुलेट करना हो तो ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर आपको दिया हो कि डिग्री सेल्सियस में दिया हो फॉरेन हाइट में कैलकुलेट करना हो तो ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, और अगर आपको फॉरेन हाइट में टेम्परेचर दिया है डिग्री सेल्सियस में कैलकुलेट करना है तो आप ऐसे कर सकते हैं। मान लीजिए कि टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस दिया है तो फॉरेन हाइट में कितना होगा? इफ जैसे क्वेश्चन एक एग्जाम्पल ले लूँ कि 45 डिग्री सेंटीग्रेड, देन वॉट इज टेम्परेचर इन फॉरेन हाइट, वॉट इज टेम्परेचर इन डिग्री फॉरेन हाइट, सो दैट वी वॉन्ट टू कैलकुलेट। तो हमें ये फॉर्मूला लगाना होगा, है कि नहीं? तो ये फॉर्मूला जब आप लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या करेंगे, क्या रखना चाहिए हमें। इस फॉर्मूला को लगाने से हमें ये मिलेगा एफ इज इक्वल टू 9 by 5। 45 डिग्री सेंटीग्रेड है तो 45 यहाँ रख दिया, प्लस 32, ये 5 से 9 टाइम्स कैंसिल हो गया, 9 9 जाए 81 प्लस 32, ये हो जाएगा फॉरेन हाइट में 2 + 1 = 3 और 8 + 3 = 11, 113 डिग्री फॉरेनहाइट हो गया ये टेम्परेचर। तो इस तरीके से हम अगर डिग्री सेल्सियस में दिया है तो उसको फॉरेन हाइट में कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए कुछ और एग्जांपल लेते हैं। ये देखिए ये डिजिटल थर्मामीटर सब है। अब पहले जो तो मरकरी थर्मामीटर चलता था, अब डिजिटल थर्मामीटर चलता है, ये डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर यहाँ दिखा हुआ है। जैसा कि अभी हमने बताया था कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो होता है वो कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है, तो फॉरेनहाइट में कितना होगा ये पता करें। चलिए एक बार फिर से, हमें पता तो है वैसे लेकिन एक बार दोबारा पता करते हैं कि इफ टेम्परेचर इज 37 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस इज द टेम्परेचर ऑफ बॉडी,
टेम्परेचर ऑफ बॉडी, देन व्हाट इज द टेम्परेचर इन फॉरेनहाइट, व्हाट इज द टेम्परेचर इन फॉरेनहाइट, इन डिग्री फॉरेनहाइट। तो ऐसे अगर हमें निकालना है तो हम वही फॉर्मूला लगा देंगे। कौन सा फॉर्मूला? जो अभी हमने सीखा है कि फॉरेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 C + 32। तो यहाँ लगा देंगे 9/5 और सी का मतलब 37 डिग्री सेल्सियस + 32। सो व्हाट विल हैपन अगर इसको हम कैलकुलेट करें? 9 7 जा 63, 6 कैरी 6, 9 3 जा 27 एंड 6 34। तो 6 9 3 जा 26 27 + 6 33। सो 333 डिवाइडेड बाई 5 + 32 दैट कैन बी रिटन एज 666, 66.6 डिग्री + 32 एंड व्हाट इज दिस 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट। तो इस तरह से हम कहते हैं कि हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड या इतना फॉरेनहाइट होता है। आपको कन्वर्ट करके हमने दिखाया। इस तरीके से एक एग्जांपल है, आप इस एग्जांपल के जरिए आप समझ सकते हैं। जो दूसरा स्केल ऑफ टेम्परेचर होता है उसको भी हम मेजर कर सकते हैं। जैसे किस टेम्परेचर को केल्विन में मेजर करना है, डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है। इफ सम टेम्परेचर इज गिवन इन टर्म्स ऑफ डिग्री सेल्सियस एंड यू वांट टू फाइंड इन टेम्परेचर केल्विन, सो टेम्परेचर इन केल्विन कैन बी कैलकुलेटेड लाइक व्हाट टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15, राइट ना? ये होता है 16 बेसिकली, 273.15 या 16। तो इसको हम अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेट कर देते हैं। टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस प्लस सिंपली डिग्री सेल्सियस एंड प्लस 273.15 होता है, लेकिन 15 ना कैलकुलेट करके हम सीधे 273 कैलकुलेट कर लेते हैं और इससे हमारी बात बन जाती है। जैसे मान लीजिए कि हम कहें कि 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, एग्जाम्पल के रूप में हम ये कहें कि हमारी टेम्परेचर कितनी है, 30 डिग्री सेल्सियस इज व्हाट इन केल्विन, व्हाट इन केल्विन, ठीक है? तो आप लिख सकते हैं देयरफॉर टेम्परेचर इन केल्विन इज इक्वल टू 30 + 273, दैट इज व्हाट, ये होगा 303 केल्विन। तो ये हो जाएगा 30 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 303 केल्विन होता है। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो ये एक पैरामीटर हो गया जिसको आप समझ गए। मेरे ख्याल से टेम्परेचर को कैसे कैलकुलेट करते हैं वो आपको पता चल गया। तो टेम्परेचर कैलकुलेट हो गया, वॉल्यूम कैलकुलेट हो गया, डेंसिटी कैलकुलेट हो गया, सब कुछ ये बेसिक जो चीज है वो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे लेबोरेटरी में वो आपको पता चल गया। नाउ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्ट दैट आई वुड लाइक टू टेल यू इज दैट कि टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस कैन बी निगेटिव। इम्पोर्टेंट टेम्परेचर लेस देन 0 डिग्री सेल्सियस सेंटीग्रेड इज पॉसिबल इन सेल्सियस स्केल बट निगेटिव टेम्परेचर इज नॉट पॉसिबल इन केल्विन स्केल। सो निगेटिव टेम्परेचर यूजुअली कैन नॉट बी मेजर्ड इन केल्विन स्केल। सो केल्विन स्केल निगेटिव टेम्परेचर कैन नॉट बी मेजर्ड इन केल्विन स्केल, मेजर्ड इन केल्विन स्केल। सो ये दिमाग में होना चाहिए। तो ये सारी बातें जो थी वो किसकी थी? टेम्परेचर की। डिफरेंट टाइप ऑफ टेम्परेचर कैसे कैलकुलेट करते हैं बॉडी का, और अलग अलग जो हमें हो टेम्परेचर का
उसको मेजर करने का क्या स्केल होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ स्केल, और उनके बीच में रिलेशनशिप क्या होता है। तो इस तरह से आई होप आपको ये बेसिक जो टर्म्स हैं ये सारी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे, कैसे मेजर करेंगे, और इसकी यूनिट्स क्या क्या होती हैं, और इनके बीच में आपस में रिलेशनशिप क्या होता है, ये क्लियर हो चुका होगा। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मुलाकात होती है, अगली क्लास में बात करते हैं। आप इतना तब तक पढ़ के आए और खूब मजे करें, एंजॉय करें, और इसी तरह से चैनल को देखते रहें। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस।